नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों को समस्या से बाहर निकालने के लिए आ गई हूँ। पूछिए क्यों, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा उपाय जरूर बताती हूँ जिसका असर आप पर बहुत अच्छे तरीके से होता है और आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज मैं एक और विशेष उपाय बताने वाली हूँ जिससे अगर करते यानी कि गले लगाते हैं, तो इस चीज़ को अगर गले लगाते हैं तो फिर आपके जीवन में बहुत सारी चिंताओं से आपको मुक्ति मिलती है और आपको आराम और रिलैक्स होने के लिए ये एक चीज़ जादुई की झप्पी होती है जो भयंकर काम करती है। यानी कि अगर आप बहुत परेशान हैं तो इस चीज़ को जादू की झप्पी करें, ठीक है। तो अगर इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं यानी कि बहुत ज्यादा चिंता से घिरे हुए हैं, डिप्रेशन से घिरे हुए हैं, रत्न धारण नहीं करना चाहते, कुंडली का पता नहीं है या फिर कोई उपाय नहीं करना चाहते, तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्पेशल एक आप लोगों को एक उपाय बताने वाली हूं जिसे करते हैं तो डेफिनेटली धीरे 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 आप देखेंगे आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो रही है। तो वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप परेशान हैं, आपको किसी की जरूरत है, लेकिन जब किसी की जरूरत है तो आपके पास कोई नहीं है, तो ऐसे में हताशाएं हाथ लगती हैं, रोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, चिंता ज्यादा होती है, डिप्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हमें किसी की जरूरत होती है, लेकिन वहीं पर कोई नहीं मिलता है जो हमें शांत करे। वो एक दो इंसान हो जाते हैं कि जिनको मिल जाते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब आप बहुत परेशान हैं तो आपको कोई संभालने वाला नहीं है, तो आपको कौन संभाल सकता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको संभालेगा कौन। आपको याद है कि प्रकृति के साथ प्यार, प्रकृति के साथ आपका कनेक्शन, ये बहुत जरूरी है। तो प्रकृति के साथ कनेक्शन बनाने के लिए तो हमें पेड़ पौधे, फूल, ये सारी चीजें, इनके जतन जरूर करने चाहिए, राइट। तो जिसका भी उल्टा इफेक्ट हो रहा है कि पेड़ काटे जा रहे हैं और इसका प्रभाव ऐसा दुष्परिणाम हुआ है कि अब कहा जा रहा है कि एक एक पेड़ लगाओ, हर कोई एक एक पेड़ लगाओ। जो चीज नेचुरल थी तो वो चीजों को काट दिया गया, अभी फिर से उसी चीज की डिमांड बढ़ी है। क्यों? क्योंकि सफर कर रहे हैं लोग। तो आज का भी ये उपाय पेड़ से ही है, यानी कि आप बहुत तनावग्रस्त हैं, आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, आप रिलैक्स होना चाहते हैं, आप ईश्वर के सामने बैठकर रो नहीं पा रहे, आपको लगता है कि आपको उस वक्त जब आप परेशान या फिर आपको रिलैक्स होना है, चलो परेशान दूर है, आपको सिर्फ रिलैक्स होना है, तो आपको उस समय एक झप्पी की जरूरत होती है जो शायद आपको ना मिले किसी से। तो ऐसे में आप एक पेड़ को जादू की झप्पी दे सकते हैं। जी हाँ, आप पेड़ को जब झप्पी लगाते हैं तो आप देखिएगा कुछ देर शांत होकर आप एक विशाल, अगर कोई पेड़ है आपके इर्द गिर्द कोई पेड़ है तो आप उसे जाकर एक हग कीजिएगा, आप उसे एक झप्पी दीजिएगा और देखकर बस आंखें बंद कर लीजिएगा और आप उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेड़ में एक पॉजिटिविटी है, एक प्राण है, जो प्राण शक्ति आपको फिर से ऊर्जावान बनाती है। तो यानी कि अगर आप चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो आप पेड़ को गले लगाइए और कुछ देर 5 से 10 मिनट तक आप उसे पकड़ कर रहिए, आंखें बंद करके रहिए और रिलैक्स होइए। आप देखिएगा विद इन 10 मिनट्स आपकी सारी टेंशन खत्म हो रही है, आपको एक ऊर्जा मिल रही है। बहुत सारे लोग होते हैं हताशाओं से गुजरते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना दुख किसी को बयान नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिसे असल दोस्त, असल जिंदगी में दोस्त, उसे मालूम ही नहीं कि वो आखिर जाए तो जाए कहाँ, ना परिवार में किसी को बता पा रहे हैं, ना ईश्वर के सामने बैठकर रो पा रहे हैं, ना किसी को अपना दुख तकलीफ बता पा रहे हैं, ना कोई इसका अपना है। तो ऐसे में प्रकृति आपकी अपनी है, तो पेड़ को अगर आप गले लगाते हैं, यानी कि जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं, आपके जीवन में टेंशन को दूर करना चाहते हैं, तो बस आपके इर्द गिर्द या अगर आपके पास है या फिर आप कहीं घूमने भी जाते हैं तो इस उपाय को करके देखिएगा, आपके आधे टेंशन तो वहीं खत्म हो जाएंगे जब आप पेड़ को झप्पी देते हैं। जी हाँ, मैंने ऐसा एक ट्राई किया था बहुत पहले, मैंने ऐसे किसी गूगल में ही पढ़ा था कि पेड़ को गले लगाकर एक लेडी ने अपने सारे स्ट्रेस को खत्म किया था। उसे अचानक उसकी तबीयत खराब हो रही थी जब वो ट्रैवल कर रही थी, और जिस कारण से अचानक उसे वर्क प्रेशर की वजह से उसका तबीयत खराब होने लगा था, तो उसने गाड़ी रुकवाई थी और उस गाड़ी को रुकवाकर उसने एक पेड़ को जाके सीधे सीधे गले लगा लिया था। 10 से 15 मिनट के अंदर उसमें फिर से वो प्राण ऊर्जा वापस आई थी और वो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तो जब मैंने
ऐसे आर्टिकल्स पढ़े थे, तो उसके बाद मैं जब भी मैं जाती थी कहीं भी घूमने जाती थी, जैसे कि पहाड़ों में मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो मैं जब भी पहाड़ों में जाती थी तो पहाड़ की जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना एकदम मोटे वाले, तो मैं ट्राई करती थी कि एक झप्पी दूं, जबकि मेरे हाथों के नहीं आता था, लेकिन फिर भी बहुत रिलैक्स हो जाती थी। तो मैं ऐसे करके, मैं किसी को बताती नहीं थी कि मैं क्यों कर रही हूं, मैं हमेशा कहती थी कि बस एक आराम ले रही हूं, थोड़ा सा एक खुद को रिलैक्स कर रही हूं। लेकिन सच मानिए, जब मैं इसे ट्राई करने लगी, जब भी मैं पहाड़ों में घूमने जाती थी तो मैं एक पेड़ ऐसा जरूर ढूंढती थी, क्योंकि वहां तो पेड़ ही पेड़ है, लेकिन एक स्पेशल पेड़ जरूर ढूंढती थी जो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता था। तो वैसा पेड़ मिलता था तो मैं ऐसे झप्पी लगा देती थी, तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि क्या कर रही हो, मैं बोली नेचर से प्यार। तो विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट आप कहिए, आपके सारे स्ट्रेस उतर जाते, मेरे सारे स्ट्रेस उतर गए थे और मैं खुद को बहुत हल्का महसूस करती थी। उसके बाद मुझे जब मैं वापस आई घर में, तो मेरे बालकनी में बहुत सारे प्लांट्स है, लेकिन वो छोटे छोटे प्लांट्स है, तो मैं उनमें फिर उनको उनकी सेवा करना, उनको पानी डालना, उनका ध्यान रखना, उनके कटिंग्स करना, तो मैं उसमें अपना स्ट्रेस को निकाल दिया। आपको नेचर से कनेक्टेड जरूर रहना चाहिए। आप हमेशा अगर मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीजों में अगर अपना जीवन बिताएं, तो आपको स्ट्रेस ही मिलेगा, बिकॉज वो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, आपके दिमाग में 10 तरीके के थॉट्स को जनरेट कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं और उसे एक जादू की झप्पी देते हैं, तो बिलीव मी कि वो जो झप्पी होती है ना, वो जादू की झप्पी बन जाती है। तो अगर आपको जादू की झप्पी देनी है और अपने स्ट्रेस को एकदम स्ट्रेस मुक्त होना है, आपको स्ट्रेस को एकदम घटा देना है, आपके डिप्रेशन को दूर करना, आपके जीवन में कोई रहे ना रहे, एक पेड़ को अगर आपने झप्पी लगा दी, तो याद रखिए कि आपके जीवन में टेंशन नाम की चीज नहीं रहेगी, और आपके जीवन में ये एक सीक्रेट बन जाएगा कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को दूर करते हो। ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है कि अगर आप अपने स्ट्रेस को दूर करना चाहते हो तो एक पेड़ को जाकर जादू की झप्पी दे दो फॉर 10 मिनट्स, आप देखना आपके जीवन में तरंगे बहेंगी, तरंगे यानी कलरफुल तरंगे होंगी। पूछिए क्यों? क्योंकि ब्रेन में एक ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, और आप बहुत कर्म करते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, लेकिन वहीं पर अगर आप एक पेड़ जो प्राण ऊर्जा से परिपूर्ण है, जो हमें हवा दे रही है, जो हमें जो हमें ऑक्सीजन दे रही है, जो हमें एक बैठने के लिए छांव दे रही है, या फिर आप उसके नीचे बैठते हैं, तो आपको कितनी सारी सुकून मिलती है। आप किसी भी पेड़ के नीचे आप बैठ जाओ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो वैसे ही अगर आप पेड़ को झप्पी देते हैं, हग करते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपके स्ट्रेस कम होते हैं। ट्राई करके देखिएगा, आपको चिंता मुक्त जीवन बिताना है, आपको लगता है कि आपके लिए कोई नहीं है, तो आपके लिए एक पेड़ जरूर है, और वो पेड़ को अगर आप जादू की झप्पी बना देते हैं, यानी जादू की झप्पी देते हैं, तो डेफिनेटली आपके स्ट्रेस कम हो जाते हैं, आपके जीवन में तनाव दूर हो जाता है, और आपका एक दोस्त बन जाता है। सच बता रही हूं, इंसान में दोस्त मत ढूंढिए, आप ऐसे नेचुरल चीजों में दोस्त ढूंढिए जो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, और ऐसी चीजें कभी धोखा नहीं देती है, बल्कि आपको सुकून देती है। तो अगर सुकून चाहिए तो एक जादू की झप्पी किसी भी एक पेड़ को जरूर देना, देखना आपकी प्राण ऊर्जा जो है ना वो दोगुनी हो जाएगी, यानी कि आप में ऊर्जा का संचार बढ़ जाएगा, और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आपको हल्की लगने लगेंगी जब आप एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा के सानिध्य में आते हैं। तो आई होप ये छोटे छोटे उपाय होते हैं जो आपके जीवन को एक नया आयाम देती है, एक नया सोचने का तरीका देती है, और एक नया जीने का अर्थ सिखाती है। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए था। टेंशन ना लीजिए, टेंशन को रिलीज कीजिए एक जादू की झप्पी से। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।